हम भाई राजीव सिंह जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपने उद्बोधन से जहां की जनता को निर्दाश करें। भाई राजीव जी जी सभा में उपस्थित सभी सम्माननीय नागरिक बंधु, माताओं बहनों, सभी विद्यार्थी मित्रों, मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ कि आप यहाँ उपस्थित हैं और मुझे आपसे संवाद करने का समय मिलता है। ये भारत स्वाभिमान एक अभियान है और इस समय भारत के 680 जिलों में पहुंच गया ये अभियान। इस अभियान में 2,40,000 योग शिक्षक काम कर रहे हैं और 10,000 से ज्यादा पदाधिकारी हैं जुड़ने वाले। 2 साल के बाद हमारे पास 13,40,000 योग शिक्षक हो जाएंगे, तब हम इस अभियान को गांव-गांव में पहुंचा पाएंगे। हमारी ऐसी इच्छा है कि भारत के हर गांव में हमारे दो काम करने हैं। पहला काम ये करना है कि भारत के हर व्यक्ति को निरोगी बनाना है, स्वस्थ बनाना है, रोग मुक्त बनाना है, भारत के लोगों की जो बीमारियां हैं इनको दूर करना है। और दूसरा उद्देश्य इस अभियान का है कि भारत देश की जो बुराइयां हैं इनको ठीक करना है। भारत में गरीबी है, बेरोजगारी है, भुखमरी है, रिश्वतखोरी है, बहुत सारी बुराइयां हैं, शराब है, जुआ है, फिर हमारे देश में बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर वेश्यावृत्ति है। ऐसी सभी बुराइयां देश की हमें दूर करनी है, तो देश की बुराइयां मिटें और भारत के हर नागरिक का स्वास्थ्य अच्छा हो, उसकी बीमारियां खत्म हो। इन्हीं दो उद्देश्यों के लिए ये भारत स्वाभिमान का अभियान है। आप ये पूछेंगे कि हम चाहते हैं कि भारत के हर नागरिक को योग, प्राणायाम और आयुर्वेद की शिक्षा देकर उसको हम स्वस्थ बनाएं, निरोगी बनाएं। योग, प्राणायाम और आयुर्वेद भारत की सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति है, हजारों लाखों साल पुरानी है। और इस चिकित्सा पद्धति में खर्चा कुछ नहीं होता। योग प्राणायाम तो हम निशुल्क सीखते हैं और निशुल्क हम औरों को सिखा सकते हैं, कोई खर्चा नहीं। और योग प्राणायाम से बहुत सारी बीमारियां ठीक होती हैं। कई बार जिन बीमारियों को एलोपैथी अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति भी जिन बीमारियों को ठीक नहीं कर पाती, वो बीमारियां योग प्राणायाम से ठीक हो जाती हैं। जैसे हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, जैसे शुगर, डायबिटीज, जैसे व्याध, भगंदर, ऐसी बहुत बीमारियां हैं जिनको अंग्रेजी चिकित्सा ठीक नहीं कर पाती, एलोपैथी में वो कभी ठीक नहीं होती, वो बीमारियां भी और इसी की मदद से इन बीमारियों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे भारत में इस समय बीमारियां बहुत बढ़ी हुई हैं लोगों की, और लोगों की बीमारियां इतनी बढ़ गई हैं कि अभी थोड़े दिन पहले हमारे देश के राष्ट्रपति डॉक्टर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने कहा, 4-5 दिन पहले की बात है, बंबई में वो एक ये है कि दुनिया के सबसे ज्यादा बीमार लोग भारत में, हमारी आबादी है इस समय 120 करोड़ और बीमार लोगों की संख्या है 100 करोड़। 5,70,00,000 लोग तो भारत में डायबिटीज के बीमार है, माने डायबिटीज के रोगी है। 4,80,00,000 लोग हृदय रोग, हार्ट की डिसीज से जो, 12 करोड़ भारतवासियों को आंखों के रोग हैं, कम दिखाई देता है, बिल्कुल नहीं दिखाई देता, आंखों पे चश्मा चढ़ा हुआ है, रात में नहीं दिखता कुछ लोगों को, कुछ लोगों को दिन में नहीं दिखता। दमा है, अस्थमा है, ब्रोंकियल अस्थमा है, ट्यूबरकुलोसिस है, छाती के रोग हैं। करीब 17 करोड़ भारतवासियों को घुटनों का दर्द है, कमर का दर्द है, कंधे का दर्द है। 20 करोड़ भारतवासियों को हाई बीपी है, ब्लड प्रेशर हाई है, और 10 करोड़ लोगों का बीपी लो है। 23 करोड़ भारतवासियों को हर समय सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, ये जो सामान्य बीमारियां हैं ये होती रहती हैं, रेशा गिरना, नजला होना, 23 करोड़ लोगों को।
ऐसे कुल मिला के लगभग 100 करोड़ है। कई बीमारियों का तो मैंने आपको बताया नहीं, जो मानसिक रोग से पीड़ित हैं हमारे देश में, अवसाद से घिरे हुए हैं, डिप्रेशन में हैं, वो 4.5 करोड़ लोग हैं। बहुत खराब हाल है भारत का। हमारे घर में इतनी सारी बीमारियां कहाँ से आ गई, ये गंभीर प्रश्न है। मैंने इस विषय पे थोड़ा अध्ययन किया तो पता चला कि हम थोड़े दिन पहले तक बहुत स्वस्थ थे। जब आज़ाद हुआ था भारत 15 अगस्त 1947 को, तो भारत में सिर्फ 5 करोड़ लोग बीमार थे। हमारी सरकार ने 1952 में भारत देश का एक सर्वेक्षण कराया था, जिसको जनगणना भी कहते हैं आप। उसमें पता चला था कि 33 करोड़ की आबादी में 5 करोड़ लोग बीमार हैं। अब आबादी 120 करोड़ की है और बीमार लोग 100 करोड़ हो गए। आबादी हमारी 4 गुनी बढ़ी है और बीमारी हमारी 20 गुनी बढ़ चुकी है। पर हैरानी इस बात पे होती है कि भारत आजाद हुआ तब बहुत कम डॉक्टर्स थे पूरे देश में, अब डॉक्टर्स बहुत ज्यादा हैं। पहले भारत में आज़ादी के समय मुश्किल से 5,000 डॉक्टर्स थे जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर थे, अब डॉक्टर 18 लाख हैं पूरे देश में। तो डॉक्टर बहुत हो गए हैं, तो बीमारियां कम होनी चाहिए थी, बीमारियां और बढ़ गई। आज़ादी जब आई थी तो सिर्फ 70 दवाएं थीं भारत में जो मिलती थी, अब आज़ादी के बाद 84,000 दवाएं हैं, तो बीमारी तो और कम होनी चाहिए। पहले दवाएं कम थी तो लोग कम बीमार थे, अब दवाएं ज्यादा हैं तो लोग ज्यादा बीमार हैं। पहले हॉस्पिटल्स कम थे हमारे यहाँ, प्राइमरी हेल्थ सेंटर तो कहीं नहीं था, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कहीं नहीं था भारत में। कुछ बड़े बड़े शहरों में हॉस्पिटल होते थे, अब हॉस्पिटल हजारों की संख्या में है। फिर बीमारी इतनी क्यों होनी चाहिए, इस विषय पर मैंने थोड़ा अभ्यास किया तो पता चला कि ज्यादातर बीमारियां तो पिछले 50-60 साल में हमारी अपनी गलतियों से आई हैं। हमने अपने जीवन में कुछ ऐसे काम किए हैं जिससे हम बीमार पड़े। हम कई काम ऐसा मानते हैं कि हमने तरक्की के लिए किए हैं, लेकिन उन्हीं कामों ने हमको बीमार कर दिया। विकास के लिए, तरक्की के लिए हमने जो काम किए अपने घर में, परिवार में, और जो परिवर्तन किया हमने, उसी ने हमको बहुत बीमार बनाया। मैंने देखा कि 40-50 साल में हमारे घरों में सबसे ज्यादा परिवर्तन आया रसोई में। हमारी जो किचन है जहाँ पर हम भोजन बनाते हैं, ये बहुत बदल गया और इसने हमारी बीमारियों को बढ़ा दिया। हमारे देश में आयुर्वेद में सारे के सारे जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो ये कहते हैं कि हर आदमी ज्यादा से ज्यादा अपनी गलती से बीमार पड़ता है, बाहर की गलतियों से तो बीमारियां बहुत कम आती हैं। अगर मान लें कुल बीमारियां हमारे शरीर में 100 हैं, मान लें हम, तो इसमें से 90 बीमारियां हमारी गलती से आती हैं। सिर्फ 10 बीमारियां हैं जो बाहर वालों की गलती से आती हैं, उनको हम वायरल डिसीज कहते हैं, बैक्टीरियल डिसीज कहते हैं। वायरस और बैक्टीरिया बाहर हैं, शरीर के अंदर नहीं है, वो प्रवेश करते हैं तब बीमारी आती है। तो वायरस और बैक्टीरिया से आने वाली बीमारियां सिर्फ 10% है और 90% बीमारियां हमारे खुद की गलती से आती हैं। और हम अगर गलतियां करना कम कर दें अपने जीवन में तो हमारी बहुत सारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। मैंने आयुर्वेद का पिछले 20 साल बहुत अभ्यास किया और ये समझने की कोशिश की कि आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति के हिसाब से हम कौन सी ऐसी गलती कर रहे हैं जिसके कारण इतनी बीमारियां आ रही हैं। तो मैंने देखा तो हमारे रसोई में हमने कई ऐसी गलतियां कर रखी हैं जिसके कारण हम बीमार हैं। तो मैं आपसे निवेदन ये करने आया हूं कि आप उन गलतियों को ठीक कर लो तो आपकी बीमारियां बहुत कम हो जाए, नहीं तो बीमारियों का कोई इलाज नहीं है। हमको ये जानकर बहुत दुख होगा कि एलोपैथी और अंग्रेजी दवाओं के आधार पर हम जो कोशिश कर रहे हैं बीमारियों को ठीक होने की,
एक भी बीमारी ठीक नहीं होती एलोपैथी। एलोपैथी चिकित्सा एक तो ज्यादा पुरानी नहीं है, मात्र 250 साल पुरानी है, और इस 250 साल पुरानी चिकित्सा पद्धति में अभी पूरा रिसर्च नहीं हो पाया, पूरी शोध नहीं हो पाई, क्योंकि चिकित्सा में शोध करने के लिए हजारों साल खर्च होते हैं। तो एलोपैथी चिकित्सा में जो दवाएं बनती है ना, वो ट्रायल एंड एरर मेथड पे बनती है। ये ट्रायल एंड एरर मेथड क्या होता है, दवा दे के देखो, गलती करो, फिर सीखो, फिर दवा दे के देखो, फिर गलती करो, फिर सीखो, फिर दवा दे के देखो, फिर गलती करो, फिर सीखो। मैंने ये तीर और तुक्के वाली कहानी है, लग गया तो तीर नहीं तो तुक्का, सारी एलोपैथी की चिकित्सा इसी पे निर्भर है। ये गोली दे के देखो ठीक हुआ तो अच्छा, नहीं तो ये दे के देखो। इंसान के बनाए हुए रसायन सभी गड़बड़, क्योंकि इंसान ही गड़बड़ है। इंसान जब काम करता है किसी प्रयोगशाला में, तो उसके काम करने के पीछे की प्रेरणा क्या है, इस पे निर्भर करेगा कि दवा क्या बनने वाली है। अगर वो पैसे के लालच में काम कर रहा है तो हमेशा दवा खराब बनने वाली है। स्वार्थ अगर उसके मन में है, लालच उसके मन में है, तो वो गड़बड़ होने ही वाला है। इसलिए कहा जाता है कि जो भगवान ने बना दी है दवाएं, वो एकदम परफेक्ट है, क्योंकि ईश्वर को किसी चीज का लालच नहीं, न पैसे का, न नाम का, न यश का, न कीर्ति का। ईश्वर के बनाए हुए जो केमिकल हैं, जिनके आधार पर हम दवाएं आयुर्वेद में खाते हैं, वो ज्यादा परफेक्ट है, ज्यादा अच्छे, उनके साइड इफेक्ट कम है, उनकी एक्सपायरी डेट नहीं है ज्यादातर की, कीमत बहुत कम है, बहुत सस्ती है और आसानी से हर जगह उपलब्ध है। आप घर के बाहर ढूंढो तो आराम से 20-50-100 दवाएं मिल जाए। इसी मैदान में मैं आपको लेके घुमाना शुरू करूं तो कम से कम 50 दवाएं, और ये सारी दवाएं सबको मिली हुई है, ईश्वर ने सबको दी है फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आप पहचानो, इस्तेमाल करो, पहचानो, इस्तेमाल करो। आपके लिए भी है, जानवरों के लिए भी। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप दवाओं पे भरोसा करो, उन पर जो भगवान ने बनाई है। आयुर्वेद की दवाएं सारी भगवान की बनाई हुई है, इसमें इंसान की कोई दखलंदाजी नहीं। और एलोपैथी की सारी दवाएं एक स्वार्थी और बेईमान आदमी की बनाई हुई है, जिसके मन में ही लालच है पैसा कमाना और कुछ नहीं करना। पूरी एलोपैथी की चिकित्सा पैसे पर आधारित है, पैसा, पैसा और पैसा। अब मैं आपको थोड़ी ठोस बात करूं, ये तो प्रतीकात्मक बात मैं कर रहा था। एलोपैथी में हम बहुत सारी दवाएं खाते हैं, हमें मालूम ही नहीं है कि वो जहर घोषित हो चुकी है। जैसे आप एस्प्रिन लेते हैं, विस्प्रिन लेते हैं, नोवाल्जिन लेते हैं, एनाल्जिन लेते हैं, पैरासीटामोल लेते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन लेते हैं, बेरालगन, बूटाजोन, ऑक्सीफिन बूटाजोन, क्लोकिनोल, रेनिटिडीन, क्लोरम्फेनिकॉल, ऐसे में 84,000 नाम गिनाऊं आपको। ये सब वो दवाएं हैं जो दुनिया के देशों में 20 साल पहले बंद हो गई, कुछ दवाएं 50 साल पहले बंद हो गई, जहर घोषित की जा चुकी हैं जो दवाएं, वो भारत में बिक रही हैं। और हम सब उन्हीं दवाओं को खा खा के और ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको जो दवा खिलाता है आपकी बीमारी ठीक हो रही है, लेकिन आपको मालूम नहीं होता कि एक बीमारी से दूसरी बीमारी पैदा हो रही है। मैं आपको, क्या है बोवेरॉन, वो अक्सर हमें खिलाई जाती है जब बुखार आता है, और कई बार शरीर दर्द है तो भी खिलाई जाती है ये दवा। आपको बड़ी आश्चर्य होगा, हैरानी होगी, दुनिया के 50 देशों में ये दवा बंद है 20 साल से। कनाडा में, जर्मनी में, फ्रांस में, डेनमार्क में, नॉर्वे में, बेल्जियम में, अमेरिका में भी अभी बंद हुई है। 50 देशों ने बंद कर दिया इस दवा को, क्योंकि इस दवा से गुर्दे खराब होते हैं। वोवेरॉन के 3 इंजेक्शन गलती से लग जाएं किसी को एक दिन में, तो अगले दिन किडनी खराब होगी उसे।
भारत में लाखों मरीज हैं जो वोवेरॉन दवा के बाद अपने दोनों गुर्दे खराब करवा चुके हैं, और गुर्दे खराब हो जाए ना तो फिर किसी गरीब आदमी के बस की बात नहीं है कि वो अपना इलाज कराए, क्योंकि एक गुर्दा बदलने की कीमत 3.5 लाख रुपए है, दो गुर्दे बदलेंगे 7 लाख खर्च होगा, और अगर गुर्दे ना भी बदलेंगे तो डायलिसिस होगी आपकी, और डायलिसिस जो है ना गरीब आदमी के बस का खेल नहीं, बहुत महंगा पड़ता, बहुत खराब दवा है वो वोवेरॉन, आप कभी मत खाना इसको। एक और दवा का नाम बताता हूँ, क्लोरोक्विनोल एक दवा है, बहुत खिलाई जाती है भारत में जब हमें डायरिया हो जाता है, डिसेंट्री हो जाती है, दस्त हो जाते हैं, और ये दवा दस्त खत्म करने के साथ साथ आंतों में घाव कर देती है, और ये आंतों का घाव अगर आप ठीक नहीं कर पाए तो अल्सर, पेप्टिक अल्सर कुछ भी हो सकता है, अंत में कैंसर भी हो सकता है, मर भी सकते हैं, इसलिए दुनिया के 80 देशों में ये क्लोरोक्विनोल दवा बनी है, भारत में बिक रही है। एक और दवा है क्लोरिनफेनिकॉल, और उसके साथ एक दवा दी जाती है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये कॉम्बिनेशन में दी जाने वाली दवा है, दुनिया के 100 देशों में बन रहे, लेकिन भारत में बिक रही है धड़ल्ले से, हम सब ऐसी ही दवाएं खाकर ज्यादा बीमार हो रहे हैं, गुर्दे खराब हो रहे हैं, लीवर खराब हो रहा है, हृदय खराब हो रहा है हमारा, तकलीफें तरह तरह की बढ़ रही हैं, त्वचा के बहुत सारे रोग हमें हो रहे हैं इन दवाओं के साइड इफेक्ट से। तो आप बोलोगे जी क्या करें, मैं आपसे ये निवेदन करने आया, ये फालतू की अंग्रेजी दवाएं आप मत खाओ, बहुत खराब। आप पूछोगे ये बिक क्यों रही हैं दवाएं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है इसलिए बिक रही है, सरकार के नेता बिके हुए हैं पैसे पे, दवा बेचने वाली जो कंपनियां हैं वो नेताओं को करोड़ों रुपए की रिश्वत देती, तो नेता उनको लाइसेंस दे देते कोई भी दवा बनाने का, जो दवा कहीं नहीं बन रही दुनिया में वो भारत में बन जाती, और जब कंपनियां रिश्वत देके लाइसेंस ले लेती हैं तो फिर वो रिश्वत दूसरी और किसी को देते हैं और दवा बिकवा लेते हैं। हमारे यहाँ के डॉक्टर भी रिश्वत लेके दवा लिखते हैं आजकल, बहुत सारे डॉक्टर हैं जो कमीशन खाते हैं कंपनियों से दवा लिखने के। अभी ईमानदार डॉक्टर तो मुश्किल से 1-2% ही बचे हैं इस देश में, और डॉक्टर को कई तरह से रिश्वत दी जाती है, जैसे उनको 5-स्टार होटलों में कॉन्फ्रेंसेस में बुलाते हैं खूब जम के शराब पीने के लिए, खूब जम के नशा करने के लिए, जुआ खेलने के लिए कंपनियां सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं, फिर कई बार उनके बीवी बच्चों के साथ उनको स्विट्जरलैंड घुमाने ले जाते हैं, हांगकॉन्ग ताइवान घुमाने ले जाते हैं, किसी डॉक्टर को कार दे दिया, किसी को रेफ्रिजरेटर दे दिया, किसी को मोटरसाइकिल मिल गई, किसी बेचारे सीधे साधे डॉक्टर को एक कैलेंडर ही मिल जाता कंपनी का, उतने में ही वो दवा लिखने लगता है, पेपर वेट दे दिया, एक कैलेंडर दे दिया, टेबल कैलेंडर दे दिया, वॉल कैलेंडर दे दिया, उतने में ही डॉक्टर बस खुश, लिख दी उसने दवा उस कंपनी की बिना सोचे समझे। मैं बहुत सारे डॉक्टर्स को मिलता रहता हूँ और बहुत डॉक्टर्स मेरे माने दोस्त भी हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि तुम लोग ये जो नई नई दवाएं लिखते हो इसकी प्रेरणा क्या है, तो कहते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, वो हमारी प्रेरणा है, मैंने अध्ययन नहीं है उस नई दवा का, क्या असर होगा क्या असर नहीं होगा, शरीर पर दुष्परिणाम करेगी नहीं करेगी, इन सब में डॉक्टरों को मजा नहीं आता, वो जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आता है दवा लेके उससे उनको ये पता करने में मजा आता है कि भाई कमीशन कितना है इस दवा, हम लिखेंगे तो कितना मिलेगा। बहुत सारे डॉक्टर को एक एक दवा पे 35%, 30%, 40% कमीशन, तो वो जो बेचता है ना केमिस्ट उसको भी कमीशन, और ये कमीशन के धंधे में लग गए हैं सारी दवा कंपनियों में, उनको आपके स्वास्थ्य की चिंता नहीं है, उनको पैसे मिल रहे हैं, कमीशन मिल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, उसकी चिंता है। मैंने कुछ 20 दवा कंपनियों पे अध्ययन किया, एक फाइजर नाम की कंपनी है बहुत दवा बनाती है, एक जॉनसन एंड जॉनसन है,
एक प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, एक रैकेट एंड कोलमैन है, एक पार्क डेविस है, एक जर्मन रेमेडीज है, एक अपजॉन है, एक एबॉट लेबोरेटरीज है, एक एली लिली है। ऐसी 20 कंपनियों पर मैंने अध्ययन किया तो मेरी आंखें फट गई। हैरान हो गया मैं कि एक एक दवा पर इन कंपनियों को 20,000% का मुनाफा है, एक एक दवा पर। इसका मतलब आप समझते हैं, कोई दवा 1 रुपए में बन रही है, मान लो जो टैबलेट आप खा रहे हो ना वो 1 रुपए में बन रही है और 200 रुपए में आपको बेची जा रही है, ये है मतलब 20,000% मुनाफा। 2 रुपए में दवा बन रही है, 400 में बेची जा रही है। 3 रुपए में इंजेक्शन बन रहा है, 600 रुपए में लगा रहा है डॉक्टर आपको वो इंजेक्शन। ये जो बोतल चढ़वाते हैं ना आप ग्लूकोज की, वो 3 रुपए 80 पैसे की बनती है। आपसे कितना लेता है डॉक्टर? 60, 70, 80, 90, 100 गांव में लेगा और शहर में 500, 700, 1000 कुछ भी ले सकता है। उसकी मर्जी पे है, वो जितना लूटे। बहुत बुरा हाल है देश। माताएं तो बहुत ज्यादा फंसती हैं इस दुष्चक्र में। जब माताएं गर्भवती होती है ना तो डॉक्टर बिना ऑपरेशन बच्चे ही नहीं होने देता, जबकि 99% माताओं को नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, वो होने नहीं देते, सीजरियन करते हैं क्योंकि पैसे चाहिए उनको। और जिस बच्चे को सीजर कर दिया उसको समय से पहले निकाल लेते हैं बाहर, अब बच्चा जिंदगी भर आधा पागल रहता है। जिस बच्चे को 7 महीने में निकाल लिया आपने, 8 महीने में निकाल लिया, वो तो मुश्किल ही करेगा, जीवन भर तकलीफ में रहेगा। अब मां भी तकलीफ में रहने वाली जीवन भर। बच्चे को मां के पेट में 9 महीने 9 दिन और 9 घंटे रहना ही चाहिए, ये भगवान का नियम है, प्रकृति का नियम है, लेकिन 7 महीने में ही निकाल लेते हैं इसको। बहुत तकलीफ है मां को भी बच्चे को। मैंने ऐसे लाखों बच्चे देखे हैं, हजारों लाखों, मेंटली रिटार्डेड क्योंकि 7 महीने में बाहर आए, 8 महीने में बाहर आए, 7.5 महीने में। और डॉक्टर कई बार पता है बेईमानी क्या करता है, माँ के पेट से निकाल के मशीन में रख देगा, इनक्यूबेटर में, क्योंकि पैसे बनाने हैं उसको। अरे भैया माँ के ही शरीर में रहने दे उसको, माँ के शरीर में रहेगा तो पैसे कैसे बनेंगे, बिल कैसे बनेगा। तो आप बोलेंगे क्या करें, मेरी बात मानो, बीमार मत पड़ो, और बीमार पड़ो तो बीमारी से नहीं, डॉक्टर से बचो, दवाओं से बचो। आप बोलोगे क्या करें तो परम पूजनीय स्वामी जी कहते हैं पहले तो बीमार मत पड़ो, तो अपने घर को ठीक कर लो, रसोई को ठीक कर लो तो बीमारी नहीं आएगी। हम हमारे जीवन में जो गलतियां कर रहे हैं उन गलतियों को ठीक करें तो बीमारी आती नहीं। आयुर्वेद में कहा गया है कि व्यक्ति वात पित्त कफ 3 को अगर संतुलित रख ले तो ठीक रहेगा जीवन भर, इन्हीं की विकृति हो तो बीमारी आएगी। अब वात पित्त कफ को हम संतुलित रख लें तो हम जीवन भर निरोगी रहेंगे, ना दवा खानी पड़ेगी, ना डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ना फालतू इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे, ना ऑपरेशन कराने पड़ेंगे, ना लाखों करोड़ों रुपए खर्च होंगे। इस गरीब भारत का हर साल 7 लाख करोड़ रुपए बर्बाद हो जाता है बीमारियों के और दवाओं के चक्कर, और लोग बेचारे कर्जा लेके इलाज कराते, घर बेच के इलाज कराते, जमीन बेच के इलाज कराते। बहुत बुरा हाल है देश में। तो पहले तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप अपने को ठीक रखो, स्वस्थ रखो, निरोगी रखो, बीमार मत पड़ो। अब आप बोलोगे जी क्या करें, छोटी छोटी 3-4 बातें ध्यान रखो, बहुत बीमारियों से बच जाओगे। हमारे शरीर में बात अगर विकृत हो जाए तो 80 बीमारियां आती हैं, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, जोड़ों का दर्द। पित्त विकृत हो जाए तो 40 बीमारियां आती हैं, कफ विकृत हो तो 20 बीमारियां आती, माने वात पित्त कफ 3 विकृत हो तो आदमी मरेगा, पक्की बात है। तो आप इनको ठीक रखो, वात को, पित्त को, कफ को। आप बोलोगे जी क्या करें, वात को ठीक रखने की सबसे अच्छी दवा है या सबसे अच्छा तरीका आयुर्वेद में बताया गया कि तेल शुद्ध खाओ, कभी भी वात ठीक रहेगा।
तेल शुद्ध खाओ, शुद्ध तेल खाओ। शुद्ध तेल का मतलब समझते हैं, कोल्हू से निकला हुआ तेल खाओ। कोल्हू है ना जिसमें से तेल निकालते हैं, उसका तेल खाओ। जिंदगी में बात कभी भी खराब नहीं होगी। आजकल जो तेल हम खाते हैं ना, ये बाजार से खरीदा हुआ तेल है, इसमें मिलावट बहुत है। बाजार से जो आप तेल खरीदते हो इसमें पामोलिन तेल मिलाते हैं, और पामोलिन तेल जहर है, शरीर कभी भी उसको पचा नहीं पाता। और भारत सरकार सारे तेलों में पामोलिन तेल मिलवा के ही बेचती है, बिकवाती है। सरकार ने नियम बना रखा है कि बिना मिलावट के तेल ही नहीं बेचा जाएगा तेल। तो जो भी बाजार से तेल लाओगे उसमें मिलावट है, वो मिलावट वाला तेल कभी हजम नहीं होगा, वो फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो फिर 80 रोग तो आने वाले। इसलिए तेल शुद्ध खाओ तो सारी बीमारी बात की खत्म हो जाती है। अब आप बोलोगे शुद्ध तेल कहाँ से लाएंगे, यहीं इसी गांव में मिलेगा, फिर कोल्हू लगवा लो, या पुराना कोई कोल्हू चलता होगा तो उसको फिर जिंदा करा दो। कोई कोल्हू है यहाँ इस गांव में? है, बहुत अच्छा, फिर तो बहुत बढ़िया। तो जो पहले से चल रहा है कोल्हू उसमें अपना तेल निकलवाओ। तेल तो आप सरसों का ही खाते हो, तो अपनी सरसों लेके जाओ, उससे कहो कि तेल निकाल के दे दे, ये तेल खाओ एकदम शुद्ध, इससे बात के रोग आपके सब खत्म हो जाएंगे। आयुर्वेद कहता है कि बात के सारे रोग खत्म करने का सबसे आसान तरीका है तेल शुद्ध खाते रहो जीवन भर। तो ना घुटने दुखेंगे, ना कमर दुखेगी, ना कंधा दुखेगा, ना जोड़ों में दर्द आएगा, ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ना बीपी बढ़ेगा, ना हार्ट अटैक आएगा, ना ब्रेन हेमरेज होगा, ना पैरालिसिस होगा। 80 बीमारियों से आप बच गए। देखो कितना आसान उपाय आयुर्वेद का, तेल शुद्ध खाओ। आज से ही आप ऐसी व्यवस्था करो कि शुद्ध तेल अपना कोल्हू का निकलवा के लाओ। दूसरा आयुर्वेद का नियम है कि घी गाय का खाओ, माने गाय का दूध, देशी गाय का दूध, उसका बना के दही, दही को बना के मक्खन, और उस मक्खन को करके गरम, ये जो घी बना ये शुद्ध खाते रहो तो पित्त का कभी भी कोई रोग नहीं आता। एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, अल्सर, पेप्टिक अल्सर, पेट में तेजाब बनना, जलन होना, यूरिक एसिड बढ़ना, ये सब पित्त के बीमारियां हैं। ये सब खत्म हो जाती हैं अगर आप घी शुद्ध खाते हैं, देशी गाय का घी। डालडा मत खाना कभी, सबसे खतरनाक है डालडा। ये भारत में जब से डालडा आया तभी से बीमारियां घुस गई घर घर। 20-25 साल पहले कोई डालडा नहीं खाता था क्योंकि बनता ही नहीं था। ये सरकार ने तरक्की और विकास के नाम पर डालडा बनवाना शुरू किया, और हम भी मूर्ख लोग फंस गए उस डालडा के चक्कर। अब डालडा की पूड़ी खाते हैं, डालडा की कचौड़ी खाते हैं, डालडा की मिठाई खाते हैं, डालडा की नमकीन। पूड़ी कचौड़ी बनानी है तो भी डालडा में मत बनाओ, तेल में बनाओ। तिल का तेल होता है ना, उसमें पूड़ी बहुत अच्छी बनती है। तिल के तेल में आप बोलोगे जी देसी घी बड़ा महंगा है, मैंने बहुत इसका हिसाब निकाला है, डालडा और देसी घी बराबर ही है। कैसे बराबर है? डालडा में पूड़ी बनाओ, कचौड़ी बनाओ तो बहुत खर्चा होता है घी का, और देसी घी में बनाओ उसके आधे में ही बन जाती है। और डालडा 120 रुपए किलो, देसी घी 250 रुपए किलो, कोई बहुत अंतर नहीं। देसी घी में बनाओ, और जो आपके पास कैपेसिटी नहीं 250 रुपए किलो घी लाने की, तो मैं तो कह रहा हूँ 80 रुपए किलो का तिल का तेल आता है उसमें बनाओ पूड़ी कचौड़ी, बहुत अच्छी बनती। तिल के तेल की पूड़ी पूरे समय नरम रहती है, कभी भी वो कड़क नहीं होती, 2 दिन भी रखो तो नरम रहती। और तिल का तेल शुद्ध निकलवाओ ऐसे ही जैसे सरसों का निकलता है कोल्हू में, उसमें पराठा बनाओ, पूड़ी बनाओ, कचौड़ी बनाओ, और नहीं तो देशी घी खाओ, तो पित्त के सारे रोग आपके अपने आप ठीक होते रहेंगे।
तेजाब नहीं बनेगा, एसिडिटी नहीं होगी, हाइपर एसिडिटी नहीं होगी, अल्सर नहीं होगा, यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा, पेट में जलन नहीं होगी, छाती में जलन नहीं होगी, गले में जलन नहीं होगी, बहुत बीमारियों से बचोगे। तो दो उपाय मैंने बताए, एक तो शुद्ध तेल खुद उसे निकाला हुआ और दूसरा शुद्ध घी, गाय का हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो भैंस का। तीसरा नियम है चीनी मत खाओ तो कफ का कभी भी रोग नहीं आएगा। कफ के रोग आप जानते हैं क्या है? एक तो मोटापा, ये जो आजकल मोटापा बढ़ रहा है हमारे देश में, ये कफ की विकृति का रोग है। रेशा गिरता है नाक से, सर्दी होती है, जुकाम होता है, खांसी होती है, बलगम बनता है। अगर आप चीनी खाना छोड़ दो, गुड़ खाओ, गुड़ तो आपके यहाँ मिलता है ना, तो गुड़ खाया करो, चीनी बंद कर दो। चीनी छोड़ते ही कफ ठीक होता है, घासलेट और डालडा छोड़ते ही पित्त ठीक होता है, और रिफाइंड ऑयल तीनों हो गया संतुलित, अब बीमारी नहीं आएगी आपको। और अगर आ गई है तो ऐसी ठीक हो जाएगी, करके देखो। मैंने सैकड़ों मरीजों पे ये एक्सपेरिमेंट किए तब मैं आपको बता रहा हूँ। रात के मरीजों को मैं कोई दवा नहीं देता, मैं होम्योपैथी की प्रैक्टिस करता हूँ। तो बहुत मरीज आते हैं मेरे पास, वो कहते हैं जी बात है, मैंने घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, तो मैं उनको खाली गोलियां दे देता हूँ। आप जानते हैं होम्योपैथी में सफेद सफेद मीठी मीठी गोलियां आती, उसमें दवा नहीं डालता, ऐसे ही दे देता हूँ, लो खाओ दवा। तो मरीज को लगता है मैं दवा खा रहा, वास्तव में वो दवा होती नहीं, वो तो मीठी गोली है। फिर मैं उसको कहता हूँ कि कुछ पथ्य है, तो वो पथ्य मेरी असली दवा है, तो गोली तो ऐसे ही उसको बुलावे में रखने के लिए खिलाता हूँ, नहीं तो मरीज मानता ही नहीं, कहता मुझे दवा चाहिए जी। दिमाग ऐसा उल्टा हो गया है, बोतल चढ़ाओ जी, जरूरत नहीं फिर भी चढ़ा दो, इंजेक्शन लगा दो, संतोष ही नहीं होता मरीज को। तो खाली गोली दे देता हूँ कि ये खाते रहो, चार चार गोली सुबह दोपहर शाम। फिर उनसे कहता हूँ कि पथ्य ये है कि शुद्ध तेल खाना है, घर में शुद्ध तेल की व्यवस्था करो। अब वो खाने लगता है, चार छह महीने बाद उसका कोलेस्ट्रॉल चेक कराते हैं, नॉर्मल आता है शुद्ध तेल खाते, ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल आता है। तो कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हुआ तो फिर सब ठीक होने ही वाला है, हृदय की हर बीमारी ठीक होगी। कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो जाए तो शुगर भी ठीक होगी, डायबिटीज भी ठीक होगा। मैंने इस पर थोड़ा रिसर्च किया कि तेल में है क्या ऐसा, शुद्ध तेल में क्या है। तो शुद्ध तेल की जो चिकनाई है उसमें प्रोटीन कंटेंट है, और ये मिलावट वाला तेल जब आता है ना तो उसकी चिकनाई कम हो जाती है, वो ही सारी गड़बड़ शुरू करता है। सैकड़ों मरीज ठीक हुए हैं मेरे, खाली मैंने उनको तेल शुद्ध करा दिया, इसी में ठीक हो जाते। तब से मैंने ये नियम बना लिया कि सबको बोलूंगा शुद्ध तेल खाओ। मैं 20 साल से शुद्ध तेल खाता हूं अपने घर में, और 20 साल में एक दिन भी कभी हॉस्पिटल में नहीं गया। आप भी खाओगे तो आप भी ठीक रहोगे। माताओं को बड़ी गलतफहमी है कि तेल शुद्ध है ना तो चिकनाई ज्यादा है, चिकनाई वाला ही तेल होता है, बिना चिकनाई का तो पानी है, तो तेल कहाँ है। और चिकनाई जो है ना ये सब प्रोटीन है, वो कोई फैट नहीं है, प्रोटीन है वो तेल का, वो बहुत जरूरी है शरीर। वो चिकनाई नहीं होगी तो घुटने नहीं चलेंगे, गर्दन ऐसे भी नहीं होगी, इंगलियां ऐसे नहीं चलेंगी, चिकनाई तो चाहिए। आपके शरीर से सारी चिकनाई अगर निकाल दें ना तो आपका शरीर चूसे हुए आम के जैसा हो जाएगा, चिकनाई तो चाहिए। आपकी आंखों में ये जो चमक होती है, चेहरे पे जो चमक होती है, चेहरा लाल सोख रहता है, ये सब चिकनाई का प्रताप है, आप सुंदर दिखते हैं, ये सब चिकनाई के कारण है, चिकनाई तो चाहिए। कौन सी चिकनाई चाहिए? डालडा वाली नहीं, रिफाइंड ऑयल वाली नहीं चाहिए। तो अच्छा शुद्ध तेल खाते रहो, बहुत अच्छा, शुद्ध घी खाते रहो, तो गुड़ का दूध पियो, गुड़ से लस्सी पियो, गुड़ में दही, दही गुड़ के साथ खाओ, तो कफ ठीक हो जाए। बस इतना ही निवेदन है कि जब आप गुड़ खरीदना तो सफेद रंग का मत खरीदना,
ये जो सफेद सफेद गुड़ आ रहा है ना, ये सब निर्मा वॉशिंग पाउडर से बनता है, बहुत खराब है। तो गुड़ कौन सा लेना? लाल लाल लेना, जो लाल रंग का है, जो गहरे काले रंग का है। देखने में जो गुड़ खराब लगता है ना, खाने में अच्छा है, वो गुड़ ले। और एक गुड़ की शक्कर भी आती है, देखिए आपने गुड़ शक्कर, वो बहुत अच्छी है। मिश्री खा लो, मिश्री आती है, धागे वाली मिश्री आती है ना, वो भी अच्छी। चीनी बंद कर दो, चीनी बंद करते ही सबका मोटापा खत्म हो जाएगा। आप करके देखो, बहुत लोग हैं योग प्राणायाम करते हैं और कहते हैं जी वजन कम नहीं हो रहा हमारा, कहते हैं 4 साल हो गया, 5 साल हो गया प्राणायाम कर रहे हैं, वजन कम नहीं हो रहा। मैं कहता हूँ चीनी छोड़ी कि नहीं? उन्होंने कहा चीनी तो खा रहे हैं। मैंने कहा फिर तो नहीं होगा, चीनी छोड़ोगे तभी वजन कम होगा। योग प्राणायाम करके आप थोड़ा वजन कम करते हो, फिर चीनी खा के उतना ही बढ़ जाता है, तो वैसे का वैसे ही चलता रहता है खेल। चीनी छोड़ दो, सब वजन कम कर देगी आपको। और गुड़ 1 ग्राम भी वजन नहीं बढ़ाता, देखो क्या भगवान की लीला है। गुड़ से 1 ग्राम वजन नहीं बढ़ता और चीनी बहुत खराब। मैं गुड़ और चीनी का अंतर बताना चाहता हूँ आपको, सरल भाषा में, सरल तरीके से आपके समझ में आए। आप खाना खाओ और पीछे से थोड़ा गुड़ खाओ, तो आपने जितना खाना खाया ये गुड़ आपके खाने को 4 घंटे में हजम कर देगा, थोड़ा सा गुड़। लेकिन गुड़ खा लो तो 2 घंटे पहले ही हजम हो जाता है, गुड़ इतने अच्छे से खाने को पचाता है। अब इसका उल्टा है, आप खाना खाओ और 1 चम्मच चीनी खा लो, तो ये 1 चम्मच चीनी पूरे खाने को 8 घंटे हजम नहीं होने देगी। और इस 1 चम्मच चीनी को हजम करने में पूरा खाना खत्म हो जाएगा। खाने की जितनी एनर्जी है ना, वो 1 चम्मच चीनी को पचाने में खर्च हो जाती है, इतनी खतरनाक है चीनी। अब वैसे भी बहुत महंगी हो गई है आजकल चीनी, क्यों दिमाग खराब करें अपना चीनी खा के। निकालो घर में से इस चीनी को, बोले ले आओ, सस्ता है, क्वालिटी में बहुत अच्छा है। जी गुड़ महंगा है? अरे नहीं नहीं, ये तो हाँ वैसी बात कर रहा हूँ, सारे देश में मैं घूमता हूँ, गुड़ है 15 से 18 रुपए किलो, खांड है 40 रुपए किलो। आपके यहाँ गुड़ 40 है? तो भी मैं आपसे, शायद इसलिए कि यहाँ गन्ना कम होता है, हाँ ये है, ये बात है कि यहाँ गन्ना कम होता है। चलो ठीक है, फिर भी 40 रुपए किलो का गुड़ ही आपके लिए अच्छा है चीनी की तुलना में। चीनी तो सफेद जहर है, व्हाइट पॉइजन। तो ये 3 बड़े काम कर लो अपने घर में, और एक दो छोटे छोटे काम कर सको तो बहुत अच्छा है। एक काम ये करना कि कभी भी खाना खाने के बाद पानी मत पीना 1 घंटे तक, तो जिंदगी भर वात पित्त कफ ठीक रहेगा। खाना खाते ही पानी मत पीना। आप बोलोगे जी क्यों नहीं पीना? इसलिए नहीं पीना कि जब आप खाना खाते हो ना, तो पेट में खाना सब इकट्ठा हुआ तो पेट में आग जलती है खाने को पचाने के लिए, उसको कहते हैं जठर अग्नि, जठर अग्नि। पेट में है अग्नि, है आग, है खाना खाते ही जल जाती है। अब जब खाना खा लिया आग जल गई, उसी समय आप घटाघट पानी पीते हो तो आग सब शांत हो जाती है, फिर खाना हजम नहीं होता, फिर खाना पड़ा पड़ा सड़ता है, उसमें से विष पैदा होता है और उस विष में से 103 बीमारियां आती हैं। इसलिए खाने के बाद पानी मत पीना कभी, 1 घंटे बाद पीना। तो आप बोलोगे प्यास लगे तो क्या पीना? अगर खाने के बाद प्यास लगे तो लस्सी पियो, या खाने के बाद प्यास लगे तो दूध पियो, पानी 1 घंटे बाद। दोपहर को खाना खाया प्यास लगी तो लस्सी पी लो, शाम को खाना खाया प्यास लगी तो दूध पी लो, पानी 1 घंटे बाद पी लो। इस नियम से जिंदगी भर वात पित्त कफ आपका संतुलित रहेगा।
क्योंकि जो खाया है वो ठीक से हजम होगा, और जो खाया हुआ ठीक से हजम हो तो फिर उसी में से रक्त बनेगा, मांस बनेगा, मज्जा बनेगी, वीर बनेगा, शुक्र बनेगा, सब कुछ उसी में से बनने वाला है जो खाया हुआ है, अगर वो ठीक से हजम होता है तो। और अगर हजम नहीं होगा खाया हुआ ठीक से तो विष बनेगा और फिर दुनिया भर के रोग आने वाले, इसलिए खाने के एक घंटे बाद पानी पियो। पानी हमेशा घूट घूट करके पिया करो, एक घूट पानी पिया, थोड़ी देर रुके, फिर एक घूट पिया, फिर थोड़ी देर रुके, फिर एक घूट पिया, फिर थोड़ी देर रुके, ऐसे पानी पीने की आदत डाल। ये घटावट पानी पीना ठीक नहीं है। आप बोलोगे क्या नुकसान है, जब हम घटागट पानी पीते हैं ना तो सारा पानी बहुत जल्दी नीचे उतरता है, तो मुंह की जो लार है उसको पानी से मिलकर अंदर जाने का समय नहीं मिलता, और ये मुंह की लार ही है जो तेजाब को शांत करती है पेट के। और घूट घूट पानी पियो तो मुंह की लार पानी के साथ अच्छे से मिलकर अंदर जाती है, लार तेजाब को शांत करती है, और जिनके पेट का तेजाब शांत होता है उनकी जिंदगी में कभी रोग नहीं आता। तो आप जिंदगी भर निरोगी रहोगे पानी घूट घूट पियो। आपने देखा है सारे पशु पक्षी इस नियम का पालन करते हैं पानी घूट घूट पीने का। कुत्ते को देखो पानी चाट के पीता है, चिड़िया को देखो एक एक घूंट पानी पीते, एक बूंद पानी का लेगी फिर चोंच चलाएगी फिर पिएगी फिर एक बूंद लेगी फिर चोंच चलाएगी। गाय को देखो, बैल को देखो, बकरी को देखो, सब घूंट भर के पानी पीते हैं। मनुष्य है जो घटाघट पानी पीता है। मैंने आज तक किसी चिड़िया को ओवरवेट नहीं देखा, किसी पक्षी की तौन बाहर नहीं निकलती, पेट नहीं निकलता। ये सारी खुराफात आदमी के ही साथ। ये मनुष्य सोचता तो है कि मैं बहुत होशियार हूं, लेकिन है मूर्ख। होशियार तो पशु पक्षी है, ये इस नियम का पालन करते हैं। आप पशु पक्षियों को देखो खाने के साथ कभी पानी नहीं पीते, पिला के देखो। गाय खाना खाएगी उसके सामने पानी रख देना, वो देखेगी भी नहीं पानी, खूब अच्छे से खाना खाएगी, दो तीन घंटे बैठकर जुगाली करेगी फिर पानी पिएगी। भैंस को देख लो, कुत्ते जो आपने क्या पीती है। ये दो नियम कोई भी पालन करे, खाने के एक घंटे बाद पानी और पानी घूट घूट, जिंदगी भर निरोगी रहेगा, कभी कोई तकलीफ नहीं। और एक तीसरा नियम है, सवेरे जब आप सोकर उठो तो सबसे पहले पानी पिया करो, दांत नहीं साफ करना, कुल्ला नहीं करना, मंजन नहीं करना, पहले पानी पियो, उठते ही पानी पियो, बासी मुंह पानी पियो। क्यों? रात भर की जो लार मुंह में जमा है ना, उठते ही पानी पियोगे सब अंदर जाएगी, और सवेरे तेजाब बहुत बनता है पेट में, तो लार पेट में गई तो तेजाब शांत। और एक फायदा है, सुबह उठते ही पानी पियो तो पेट बहुत साफ होता है, सारा मल कचरा बाहर निकल जाता है। और जिनका सवेरे एक बार पेट साफ हो जाए ना, जिंदगी भर वो निरोगी रहते हैं। और एक आखिरी नियम याद रखना, ठंडा पानी कभी मत पीना, फ्रिज का पानी, बर्फ डाला हुआ पानी, ये जहर है, कभी मत पीना। ये ठंडा पानी पीते ही पता बहुत बड़ी तकलीफ होती है पेट में। क्या होता है, पेट तो गर्म है, पानी ठंडा है, तो गर्म पेट में आपने ठंडा पानी डाल दिया, अब पेट इस पानी को गर्म करता है, नहीं तो पानी पेट को ठंडा कर देगा, और पेट ठंडा हुआ तो हृदय ठंडा, हृदय ठंडा मस्तिष्क ठंडा, मस्तिष्क ठंडा आप भी ठंडे, आप ठंडे तो राम नाम सत्य। जैसे ही आप ठंडे होंगे ना, घर से निकाल के बाहर रख देंगे सड़क पे, आप घर में नहीं रहने देंगे, जो घर आपने बनाया लाखों करोड़ों का उसमें ही नहीं रहने देते आप, निकाल के बाहर कर देते। और जब तक शरीर गर्म होता है ना, लिपट सिपट के रोते हैं, और जैसे ही शरीर ठंडा हुआ दूर से ही प्रणाम करते हैं, छूते भी नहीं फिर उस शरीर ठंडे शरीर की इज्जत नहीं है।
शरीर ठंडा होते ही बेइज्जती शुरू हो जाती है और फिर चिल्लाना और शुरू करते हैं, जल्दी लेके जाओ, जल्दी लेके जाओ, जल्दी लेके जाओ, पता नहीं क्या आफत आ रही है। अरे रहने दो भाई, दो चार दिन उसको घर में, उसी का घर है, उसी ने बनाया था, लेकिन 24 घंटे भी नहीं रहने देते घर में। तो आप सोचो ठंडे शरीर की इज्जत नहीं, तो पानी क्यों पी रहे हो ठंडा, मत पियो। बाद में पता है क्या होता है, जब हम पानी पीते हैं बहुत ठंडा, पेट को गर्म है, पेट पानी को गर्म करता है। अब पेट पानी को गर्म करेगा तो पेट को एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए गर्म करने के लिए, तो सारे शरीर में जो खून है ना वो पानी को गर्म करने के लिए पेट में आता है, क्योंकि खून ही गर्म है और तो कुछ है नहीं गर्म शरीर में, तो खून गर्म करेगा पानी को तो सारा खून पेट में आएगा, तो खून की कमी मस्तिष्क को हो सकती है, हृदय को हो सकती है, उसी में चला जाएगा आदमी। ठंडा मैंने देखा, ठंडा पानी पीने वाले लोगों को अमेरिका में बहुत लोग ठंडा पानी पीते हैं। मैं पहली बार जब अमेरिका गया तो मैंने देखा वहां के लोग चिल्ड वाटर पीते हैं, पानी को फ्रिज में रखते हैं, 4-5 दिन ठंडा होता है, फिर उसमें बर्फ डालते हैं, फिर पीते हैं, ऐसे ठंडा पानी पीते हैं। फिर मैं देखता था उनको कि इनकी तकलीफ क्या है, इतना ठंडा पानी पी रहे हैं, इनको कुछ प्रॉब्लम है। तो उनकी प्रॉब्लम एक दिन मेरे पकड़ में आ जाए, सारे अमरीकी टॉयलेट में 1-1 घंटे बैठे हैं संडास कर, कोई 1 घंटा बैठेगा, कोई 1.5 घंटा बैठेगा, कोई 2 घंटे बैठता है। फिर मैं पूछता था उनको कि तुम करते क्या हो टॉयलेट में 1-1 घंटे 1.5 घंटे, वो कहते हम न्यूज पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं। क्यों भाई, कहते टट्टी नहीं आती, इंतजार करना पड़ता है, इसलिए न्यूज पेपर पढ़ते। क्यों नहीं आती टट्टी, मैंने उन पर बहुत रिसर्च किया, इनका चक्कर क्या है। तो देखा कि उनकी जो बड़ी आंख है ना, लार्ज इंटेस्टाइन, वो सभी की बंद है, संकुचित है। ये बड़ी आंख होती है ना पेट में जिसमें से मल निकलता है, वो ऐसे खुली होती है पाइप के जैसे, लेकिन अमरीकियों की वो ऐसे बंद है। और ये ठंडे पानी से हुई है, और जब ये बंद हो जाएगी तो मल निकलेगा कैसे, तो बहुत ताकत लगाते हैं वो, फिर भी नहीं निकलती। हम बेचारे कभी कभी तो गाना गाते हैं, मेरे सपनों की रानी कभी आएगी, वो आती नहीं है। और जब ज्यादा तकलीफ होती है ना तो दूसरा गाना गाते हैं, एक बार आ जा, फिर भी नहीं। ये समस्या है ठंडे पानी। फिर इनको मैंने देखा अमरीकियों को, वो पूछते थे कराची, भाई आप बताओ क्या करें, योग करें प्राणायाम करें। मैंने कहा तुम खाली गर्म पानी पियो बस, योग प्राणायाम बाद में करना, पहले गर्म पानी। तो जो गर्म पानी पीना शुरू करे उसी का ठीक हो जाता, 3-4 दिन में पेट साफ होने लगता है, इनके सारे के सारे तकलीफें। अब आप जानते हो जब टट्टी नहीं उतरेगी, मल नहीं उतरेगा तो कब्जियत होगी, और एक कब्जियत 100 बीमारियों का घर है, माने 100 बीमारी आएगी जब कब्जियत आती है गर्मी, और जब सर्दी आएगी तो गर्म पानी पीना। तो ये 4 तो छोटे नियम, पानी खाने के 1 घंटे बाद पानी घूट घूट करके पीना, सुबह उठते ही पहले पानी पीना और ठंडा पानी नहीं पीना, ये 4 नियम जो पालन करे जिंदगी भर सुखी रहेगा, निरोगी रहेगा। और 3 नियम बड़े बताए, तेल शुद्ध खाओ तो बात करो नहीं, और चीनी बंद करके गुड़ खाओ तो कफ करो। अब एक नियम ने मुझे और बताने के लिए कहा गया कि खड़े होकर पानी मत पीना कभी, ऐसे 7,000 नियम है आयुर्वेद में, मैंने तो 3-4 ही बताए हैं। खड़े होकर पानी नहीं पीना, हमेशा बैठ कर पानी पीना। खड़े होकर पानी पीने का दुष्परिणाम बहुत है, क्योंकि खड़े होकर पानी जो जाता है ना शरीर में, तो ये ग्रेविटी है ना, भूमि का गुरुत्वाकर्षण बल, वो पानी को चूंकि तेजी से नीचे खींचता है, तो पानी जो है जाना चाहिए पूरे शरीर में, वो नीचे चला जाता है सीधे मूत्र में। और पानी तो बहुत बड़ी दवा है, औषधि है, तो शरीर के बाकी अंगों को ना मिलके सीधे मूत्रपिंड में गया तो गड़बड़, तो शरीर के सब अंगों में जाना चाहिए, फिर अंत में मूत्रपिंड में आना चाहिए। खड़े खड़े जो पानी पीते हैं वो सीधे मूत्रपिंड में जाता है, वो बैठते ही पीना चाहिए।
चले आगे बढ़े। ये तो हुआ कि जीवन में इसका सबसे आसान तरीका, लेकिन कभी कभी कोई बीमारी आ जाए तो अपने घर की जो दवाएं हैं इनका उपयोग करो। भगवान की बनाई गई आयुर्वेद की दवाएं अपने घर में हैं, इनका उपयोग करो, इससे हर बीमारी ठीक होती है। आपको हैरानी होगी जान के कि आपके घर में कम से कम 108 दवाएं हैं। दालचीनी है, काला नमक है, सेंधा नमक है, देशी गाय का घी है, दही है, छाछ है, मक्खन है, मिश्री है, गुड़ है, सूट है, अदरक है, ऐसी 108 दवाएं सब घर में हैं। इन दवाओं से हर बीमारी ठीक होती है, बस पता नहीं हमें। शरीर के सब अंगों में जाना चाहिए, फिर अंत में मूत्रपिंड में आना चाहिए। खड़े खड़े जो पानी पीते हैं वो सीधे मूत्रपिंड में जाता है, वो बढ़कर बैठ के ही पीना चाहिए। चले आगे बढ़े। ये तो हुआ कि जीवन में सुखी कैसे रहे, निरोगी कैसे रहे, रोग मुक्त कैसे रहे, इसका सबसे आसान तरीका। लेकिन कभी कभी कोई बीमारी आ जाए तो क्या करें? तो अपने घर की जो दवाएं हैं इनका उपयोग करो। भगवान की बनाई गई आयुर्वेद की दवाएं अपने घर में हैं, इनका उपयोग करो, इससे हर बीमारी ठीक होती है। आपको हैरानी होगी जान के कि आपके घर में कम से कम 108 दवाएं हैं। जीरा है, धनिया है, हल्दी है, तेज पत्ता है, दालचीनी है, काला नमक है, सेंधा नमक है, देशी गाय का घी है, दही है, छाछ है, मक्खन है, मिश्री है, गुड़ है, सूट है, अदरक है, काली मिर्च है, ऐसी 108 दवाएं सब घर में हैं। इन दवाओं से हर बीमारी ठीक होती है, बस पता नहीं हमें। आपके घर में कोई भी बीमारी आए तो अपने घर की दवाएं इस्तेमाल करो, बहुत अच्छी। एक तो साइड इफेक्ट नहीं इन दवाओं का, दूसरा ज्यादा खर्चा नहीं होता, और भगवान की बनाई हुई है, आदमी का इसमें कोई हिस्सा नहीं। और इन दवाओं की सबसे आसानी से उपलब्धता है हर घर में, करोड़पति हो या अरबपति, सबके घर में ये दवाएं। मैं कुछ दवाएं बताता हूँ, आप हमेशा उनका उपयोग करो। जैसे डायबिटीज है किसी को, घर में इसकी दवा है। डायबिटीज की क्या दवा है? मेथी का दाना, इसको बनाओ पाउडर, पीस के बना लो पाउडर। फिर है जामुन की गुठली, जामुन का फल है, जामुन तो खा लो, गुठली को सुखा लो धूप में और उसको पीस के पाउडर का पाउडर, जामुन की गुठली का पाउडर, करेले का पाउडर और मेथी दाना, ये चारों को पीस के बराबर मात्रा में शीशी में भर के रख लो। यही दवा है डायबिटीज की। इसको खाना कैसे है? एक चम्मच सुबह खाओ, एक चम्मच शाम, गर्म पानी के साथ खाना खाने से एक घंटे पहले। ये तरीका है खाने का। बस 4 से 6 महीने कोई भी खा लेगा, शुगर सबकी ठीक हो जाएगी। मैंने हजारों लोगों की शुगर ठीक की है इस छोटी सी नुस्खे से, और ये नुस्खा मेरा नहीं है, आयुर्वेद का है। इसमें साइड इफेक्ट नहीं है, खर्चा बहुत कम होगा, दवा आसानी से आप खुद बना सकते हो, और इस दवा को एक्सपायरी डेट नहीं है, खत्म हो जाए और बना लो, फिर खत्म हुई और बना लो। तो आप याद रखो, ये दवा डायबिटीज की बहुत अच्छी दवा है, और डायबिटीज के मरीज ये दवा खाते खाते थोड़ा प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम और कपालभाति, तो और जल्दी ठीक होगा, बहुत जल्दी शुगर ठीक होती है। अब मैंने बहुत मरीजों की शुगर ठीक की, और उसके बाद जब शुगर ठीक हो जाती है ना, तो मैं उनकी ये दवा बंद करा देता हूँ, फिर उनसे कहता हूँ 200 ग्राम चीनी खा के देखो एक दिन, वो खाते हैं और एक यूनिट उनकी शुगर नहीं बढ़ती, फिर इतनी बढ़िया दवा है। आप भी इसका इस्तेमाल करो अगर घर में किसी को डायबिटीज है। जामुन का बीज,
दूसरी दवा बताता हूँ हृदय के लिए। हृदय की सब बीमारियों की एक दवा अपने घर में है। जैसे हृदय का ब्लॉकेज है कहीं पे, डॉक्टर कहेगा ऑपरेशन कराओ, मत कराना क्योंकि 2.5-3 लाख खर्च होगा और वो ऑपरेशन बेकार है, 7-8 महीने बाद वो बेकार हो जाता है। हृदय के ऑपरेशन में डॉक्टर एंजियोप्लास्टी जब करता है ना, तो एक छोटी सी स्प्रिंग डालता है। वो स्प्रिंग एक तो 10 रुपए की बनती है और आपको वो 2.5 लाख रुपए में डलती है, लूट बहुत है उसको। और दूसरा वो स्प्रिंग 6-7 महीने में ही बेकार हो जाती है। आपने ऑपरेशन कराया, 6-7 महीने ठीक रहेगा, फिर दोबारा अटैक आ सकता है। तो क्या फायदा 2.5-3 लाख खर्च के, इससे अच्छा ऑपरेशन मत कराओ। फिर क्या करो, अपने घर में एक दवा है वो खाओ। वो दवा क्या है, घी का रस पियो। घिया है ना, घिया, वो हृदय की सबसे अच्छी दवा है। घी के छोटे छोटे टुकड़े करो, छिलका मत उतारना, इसको मशीन में डाल के रस निकाल लो। अब इस रस को पियो, इसमें थोड़ा धनिया पत्ता, थोड़ा पुदीना पत्ता, थोड़ा तुलसी पत्ता पीस के डाल दो। 8-10 पत्ते धनिया, 8-10 पत्ते पुदीने, 8-10 पत्ते तुलसी, थोड़ी काली मिर्च, और लगातार 4 से 6 महीने पिला दो किसी को भी घी का रस। उसका 99% अगर ब्लॉकेज है तो वो भी निकल जाता है। घिया इतनी बढ़िया दवा है। और ये घी का रस जो भी पिएगा ना, सबका ब्लड प्रेशर ठीक होगा, बीपी ठीक हो जाएगा। घी का रस जो भी पिएगा उसका कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाएगा, ट्राइग्लिसराइड ठीक होगा। लगातार घी का रस पीते रहो तो शुगर भी ठीक कर देता है, बहुत बढ़िया है। और घिया सब जगह मिलता है, आसानी से मिलता है। बहुत लोगों के मन में आजकल एक डर बैठ गया है कि घी में इंजेक्शन लगा देते हैं, फिर क्या करें। अगर घी में इंजेक्शन लगा दिया तो उस घी को मत लेना, पहचान कर लेना उसकी, इंजेक्शन लगा कि नहीं लगा। आप बोलोगे कैसे पहचाने, ये को हाथ में पकड़ो और उसमें नाखून जो है ये गड़ाओ, अंगूठे का नाखून, तो ये घुस गया अगर घी में तो घिया एकदम शुद्ध है, और ये नाखून नहीं घुसा तो समझ लो उसमें इंजेक्शन लग गया। तो वो घिया मत लो, जिसमें इंजेक्शन लग गया माने नाखून जिसमें नहीं घुस रहा है वो घिया छोड़ दो, और जिसमें नाखून घुस रहा है वो ले लो। घिया अपने घर में भी पैदा कर सकते हो, थोड़ी भी खाली जमीन है लगा दो उसमें एक बीज, उसकी बेल आ जाएगी, घिया मिले। और कुछ दवाएं बताता हूँ, बवासीर है, बवंदर है, इसकी दवा अपने रसोई में है, उसका नाम है काला दाख, काला मुनक्का। ये जो काला मुनक्का है इसको रात को पानी में डाल दो, 5-6 मुनक्के रात भर पानी में रखो, सवेरे उस मुनक्के को खोलो तो उसका बीज निकाल दो, बीज उसका जहरीला है मत खाना। तो बीज निकाल के मुनक्का चबा के पीछे से वही पानी पियो जिसमें आपने मुनक्का डाला। 4 से 6 महीने आप खा लोगे मुनक्का तो बवासीर बिल्कुल ठीक होगा, बवंदर भी ठीक होगा, फिशुला भी ठीक होगा, ऑपरेशन कराने की जरूरत ही नहीं। और जब ताजा अंगूर मिलता हो ना तो काला अंगूर ले लो, उसको पीस के उसका रस निकाल लो, आधा कप रस सवेरे निम में पेट पी लो तो भी बवासीर ठीक होगा, बवंदर ठीक होगा। अपने घर में और एक दवा है, उसका नाम है मूली। मूली का नीचे का हिस्सा है ना सफेद वाला, उसको पीस कर उसका रस निकाल लो आधा कप, और वो रस खाने के आधा घंटे बाद पियो सुबह शाम, तो 20-20 साल पुराना बवासीर ठीक हो जाता। कितनी अच्छी दवा है, घर में ही है, उंगली छूट जाती है इससे। किसी की नाक हमेशा बंद रहती है, उसको ये गाय का घी डाल दो, नाक खुल जाएगी, तो बहुत अच्छी दवा है। ऐसे ही गले के दर्द में, गले के दर्द की सबसे अच्छी दवा हल्दी है। हल्दी ले लो और गर्म दूध में या गर्म पानी में पी जाओ, उसको सब गले के दर्द ठीक करते हैं। बच्चों के गले में अक्सर दर्द होता है टॉन्सिल्स का, तो ऑपरेशन मत करा, ये हल्दी लेना आधा चम्मच और मुंह खोल के अंदर डाल देना यहाँ पे, और फिर 1 घंटे कुछ खाने पीने को नहीं देना, 1 घंटे में ये सारी हल्दी नीचे उतर जाएगी। और एक बार आपने हल्दी डाली, जिंदगी भर के लिए टॉन्सिल ठीक हो जाएगी। ऐसे ही गले में आवाज बैठ जाए, खारिश हो जाए,
तो दो ले लो काली मिर्च, चूसो, बहुत अच्छे से आवाज खुलेगी। काली मिर्च के साथ थोड़ा मुलेठी ले लो और उसके साथ थोड़ा दालचीनी ले लो, अच्छे से और गला खुल जाएगा। बहुत बढ़िया दवा। ऐसे गले में एक बीमारी है थायराइड की, हाइपर थायराइडिज्म, इसकी बहुत अच्छी दवा है धनिया पत्ते की चटनी बनाओ, एक चम्मच चटनी आधे गिलास गर्म पानी में मिला के पियो तो थायराइड की सारी बीमारी ठीक, और थायराइड ठीक है तो मोटापा अपने आप कम हो जाता। छाती के रोग है, दमा, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा, इसके लिए दालचीनी लो पाउडर बनाओ और चम्मच आधी दालचीनी पाउडर, चम्मच आधी शहद, दोनों मिला के चाट के खाओ, 3-4 महीने में दमा अस्थमा सब ठीक होगा। एक और दवा है गाय का मूत्र, गाय का पेशाब, देसी गाय का मूत्र आधा कप कोई भी पिए तो दमा अस्थमा ठीक कर देता है, महीने में ही ठीक करता है, और टीबी 1.5 से 2 महीने में ठीक होती है। अंग्रेजी दवा टीबी के लिए खाओ तो 9 महीने लगते हैं, और गोमूत्र पी लो तो 1.5-2 महीने में टीबी ठीक है। सब दवाएं हैं अपने पास, एक भी ऐसी बीमारी नहीं जिसकी दवा है। आपको खाज हो जाए, खुजली हो जाए, दाद हो जाए तो बहुत अच्छी दवा है, पुदीने के पत्ते पीसो, उसकी चटनी लगा लो, ठीक हो जाएगा। नहीं तो सड़ा हुआ केला है ना, सड़ा हुआ केला वो लगा लिया करो, खाज, खुजली, दाद, सोराई से सब ठीक कर देता है। अच्छा केला तो खाना और सड़ा हुआ केला शरीर पे लगाओ, दाद धब्बे सब मिटा देता है, दाद, खाज, खुजली सब ठीक करता। नहीं तो गोमूत्र लगा लो, गोमूत्र लगा के खाज खुजली दाद ठीक हो जाता, बहुत अच्छी दवा। और कई दवाएं हैं अपने घर में, जैसे एक चूना होता है, चूना जो पान में हम खाते हैं, ये बहुत अच्छी दवा है। माताओं के एड़ी में दर्द होता है तो पान वाला चूना खाया करो, दही में डाल के, कनक के दाने के बराबर चूना दही में डालो आधा कप में और खा जाओ, लस्सी में मिला के पी लो, एड़ी का दर्द ठीक कर देता है, घुटनों का भी, कमर का भी, कंधे का भी दर्द ठीक करता है। स्पॉन्डिलाइटिस की बहुत खराब बीमारी है जिसकी एलोपैथी में कोई दवा नहीं, वो चूने से ठीक हो जाती है स्पॉन्डिलाइटिस, कनक के दाने के बराबर चूना दही में खाते रहो, सारी स्पॉन्डिलाइटिस ठीक करेगा। कंधों में अकड़ हो गई, जकड़ हो गई, हिलता भी नहीं, चूना खाओ एकदम अच्छे से साफ करेगा। ये जो छोटे बच्चे हैं ना, इनकी लंबाई बढ़ानी है तो चूना खिलाओ इनको, कनक के दाने के बराबर दही में डाल, साल भर में सबकी लंबाई बढ़ेगी। ये बच्चों के जिनके दिमाग कम चलते हैं, अकल जिनको कम है, बुद्धि कम है, उनको चूना खिलाओ, बहुत अच्छी अकल होती है। आप भी चूना खा सकते हैं, मुंह में ठंडा गर्म पानी अगर लगता है तो चूना खा लो, ठीक कर देगा। किसी को पीलिया हो गया, पीलिया तो चूना ही दवा है और कोई दवाई नहीं, पूरी पूरी दुनिया में नहीं है पीलिया की कोई दवा। ये जो लिफ 52 है ना, ये चूने का पानी है और कुछ नहीं। चूना आता 50 पैसे का, लिफ 52 50 रुपए का, ऐसे लूट मार हो रही है आप। तो चूना खा लो, जॉन्डिस ठीक होगा। पीलिया कैसे खाएं? कनक के दाने के बराबर चूना दही में, नहीं तो लस्सी में, नहीं तो गन्ने के रस में, नहीं तो पानी में मिला के पी। किसी पुरुष के वीर में शुक्राणु बहुत कम है, आप उनको चूना खिलाओ, बहुत अच्छे से शुक्राणु बनेंगे। माताओं के शरीर में अंडे नहीं बनते, चूना खिलाओ, बहुत अच्छा। मैंने कई ऐसे पति पत्नी देखे जिनको 10-10 साल से बच्चे नहीं थे, उनको चूना खिलाया, बच्चे हो, इतना आसान इलाज। प्राइमरी इनफर्टिलिटी की बेस्ट मेडिसिन है चूना। आप डॉक्टर के चक्कर में सालों साल भटकते रहना, कुछ नहीं होगा, और ये भगवान का दिया हुआ थोड़ा चूना खा लो, सब ठीक। और चूना बहुत सस्ता है, कहीं भी मिलता है, पान की दुकान पे खरीद लो। मैंने देखा चूने से 70 बीमारियां ठीक होती, इसलिए मैं आजकल सबको कहता हूँ चूना खाओ, चूना लगाओ मत कभी किसी को, ये चूना लगाने के लिए नहीं है, खाने के लिए।
माता इसको याद रखें, जब उम्र 45 साल की होती है किसी माँ की, 45 या 50 की, तो मासिक धर्म बंद होता है, फिर उसके बाद मेनोपॉज पीरियड शुरू होता है। उस समय माताओं को जितनी तकलीफ है वो सब चूने से ठीक हो जाती है। और कोई माँ गर्भावस्था में है और आप चाहते हो कि उसका बच्चा स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो, नॉर्मल डिलीवरी हो, तो उस माँ को जरूर चूना खिला, कनक के दाने के बराबर चूना रोज सवेरे दही में मिला के पिलाओ। और माँ को जो गर्भावस्था में है रात को दूध में घी मिला के दे दो, तो बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से होगा, स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा, कम से कम उसका वजन 2.5-3 किलो होगा और जिंदगी में वो बच्चा जल्दी बीमार नहीं पड़ेगा। शरीर भी स्वस्थ, दिमाग भी स्वस्थ। चूना ऐसी अद्भुत चीज है। अब मुझे समझ में आया, हमारे पुराने जमाने के जो बुजुर्ग थे वो घर में एक पानदान रखते थे, सबके घर में पान और चूना रहता था, जब भी खाना खाया वो पान में चूना लगा के खा लिया, कोई अतिथि आया उसको खिला दिया। अब मेरे समझ में आया वो कितने होशियार लोग थे। तो आप भी करो, ये पान खाओ चूने, कत्था मत लगाना उसमें, खाली चूना लगा के, बहुत बढ़िया चीज है। बाल अगर किसी को मजबूत करने हैं तो चूना खाओ, आंखें ठीक रखनी है तो चूना खाओ, शरीर ठीक रखना है तो चूना खाओ। चूना रेजिस्टेंस बढ़ाता है, हड्डियों को मजबूत करता है, चूना खून बढ़ाता है, किसी को खून कम बनता है चूना खिला दो, खून बहुत अच्छे से बने। एनीमिया के पेशेंट को मैं जो है ना अनार के रस में चूना पिलाता हूँ, बहुत तेजी से खून बढ़ता है, बहुत अच्छी चीज है। ये सब घर घर में है, बस आप उसमें ध्यान नहीं देते। मेरी तो यही कहने की बात है कि आप घर की दवाओं पे ध्यान दो, ये बाजार के चक्कर में क्यों फंस गए आप? भगवान ने इतनी चीजें हमको दे रखी है, उनका उपयोग करो। और 100 बातों की एक बात, आपको इतने मैंने नुस्खे बताए, कई बार लोग कहते हैं जी भूल जाते हैं, याद नहीं रहता या कंफ्यूजन हो जाता है, तो मेरे 100 नुस्खों का एक याद रखना आप, गाय का मूत्र और चूना, बस इसी में जिंदगी कट जाएगी आप। कुछ बीमारी हो गई तो गोमूत्र पी लो, थोड़ा सा चूना खा लो, सब बीमारी ठीक। आंख की बीमारी है तो गोमूत्र आंखों में डाल लो, एक एक बूंद, आंखें ठीक होती है। कान में तकलीफ है, कान में गोमूत्र डाल लो, कान ठीक होता है। शरीर में त्वचा का रोग है, गोमूत्र लगा के मालिश कर लो, त्वचा ठीक होती। बहुत लोग ये कहते हैं कि गोमूत्र पियेंगे कैसे, बास आती है, तो दारू कैसे पीते हो? दारू की बोतल पे बोतल गटक सकते हैं, तो गोमूत्र पीने में क्या तकलीफ है? और आपको तो मालूम है गाय का मूत्र प्रसाद बनाता है। हमारे घर में जब सत्यनारायण की कथा होती है, पंचामृत बनता है ना, तो पहले गोमूत्र ही डाला जाता है उसमें, तो जब प्रसाद में गोमूत्र डलता है तो आपको क्या तकलीफ है, पियो। अच्छा, मैं तो कई बार ऐसे मुंह लगा के पीता हूँ, गाय मूत्र देती है ऐसे पी लेता हूँ, कोई तकलीफ नहीं। फिर कई लोगों को ये लगता है कि इसको छानना चाहिए नहीं छानना चाहिए, अरे गाय के शरीर से ही छन कर आता है, 2 फिल्टर उसके शरीर में लगे हैं, किडनी उसके भी है, वो छान के देती है, तो डरो मत उसमें। बस इतना ध्यान रखना कि गोमूत्र जब लेना किसी गाय का तो गाय देशी होनी चाहिए, एक बात, और वो गर्भावस्था में ना हो। तो ऐसी गाय का मूत्र पियोगे तभी लाभ है, विलायती गाय का मत पी लेना, नहीं तो उल्टा हो जाएगा और बीमारी बढ़ जाएगी आपकी। वो भी मैंने पी के देखा, विलायती गाय का बहुत तकलीफ करता, देशी गाय का पीना, और देशी गाय का ही दूध पियो, देशी गाय का घी खाओ, देशी गाय का मूत्र पियो, सब बीमारी ठीक है। गांव गांव में तो हर बीमारी का इलाज गाय के मूत्र से और चूने से, चूना हर गांव में, मूत्र हर गांव। तो सब याद ना रहे तो 2 चीजें याद रख लो बस, ठीक है? तो बीमारी भी मिटी आपकी, स्वस्थ हो गए, तंदुरुस्त हो गए, और योग प्राणायाम करते रहो तो और अच्छा है। तो इस तरह से हम चाहते हैं कि सारे भारत को स्वस्थ बना दें, बिना पैसा खर्च किए हुए, अपने घर की दवाओं से,
हम हर व्यक्ति को स्वस्थ बना सकते हैं। अब हमारा दूसरा अभियान है कि देश को स्वस्थ बनाना। हमारे देश की बीमारियां हैं वो भी हमें ठीक करनी है, जैसे भ्रष्टाचार, जैसे गरीबी, जैसे बेरोजगारी, जैसे महंगाई, ये सब बीमारियां हैं देश की, ये भी ठीक करनी। और भ्रष्टाचार इतनी बुरी बीमारी है कि घर घर में, देश की रग रग में घुस गया भ्रष्टाचार। हमारे घर में कोई बच्चे का जन्म हो, वहां से भ्रष्टाचार शुरू हो जाता है। उस बच्चे के जन्म का प्रमाण पत्र बनवाना पड़े तो बिना रिश्वत दिए नहीं बनता। और कोई मर जाए घर में तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना हो तो बिना रिश्वत दिए वो भी नहीं बनता। तो जन्म से मृत्यु तक रिश्वतखोरी है इस देश में, और ये रिश्वतखोरी सारे देश में एक साल में 18 लाख करोड़ लूटखोर नेताओं ने विदेशी बैंकों में 328 लाख करोड़ रुपए जमा कर रखा है। सब पर बैंक हैं दुनिया में जहां पर ये पैसा जमा, और इनके साथ कुछ लूटखोर अधिकारी भी हैं, उन्होंने भी पैसे जमा कर रखे। तो हमने तय किया है कि ये सारा पैसा जो विदेशी बैंकों में है इसे वापस लाएं, क्योंकि ये देश की संपत्ति है। आपका पैसा है, ये मेरा पैसा है, आपने टैक्स दिया, मैंने टैक्स दिया, ये वो पैसा है जो नेता लूटते। अब बहुत लोग मुझे ये पूछते हैं क्या ये पैसा आ सकता है। हाँ, ये आ सकता है, इसको वापस लाने के रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि अगर भारत के सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा दाखिल किया जाए और उसमें ये कहा जाए कि विदेशी बैंकों में जो 328 लाख करोड़ रुपए रखा है उसे भारत की राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करो, और सुप्रीम कोर्ट उसे राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दे, तो ये सारा पैसा आ जाए। हमने इसी उम्मीद में सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा करवाया 6 महीने पहले, एक वकील के मार्फत, उसका नाम है राम जेठमलानी। वो मुकदमा अभी चल रहा है, 2.5-3 साल में इसका फैसला आ जाएगा, और उम्मीद है कि हम जीतेंगे और 328 लाख करोड़ रुपए वापस आएगा। एक दूसरा रास्ता है कि भारत की संसद में एक प्रस्ताव पास कराया जाए और संसद ये कहे कि जितना पैसा विदेशी बैंकों में है वो भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है। और संसद में जब ये प्रस्ताव होगा ना तो सांसद बहस करेंगे इस पर, उस समय हम देखेंगे कि इसका विरोध कौन कर रहा है। जो विरोध कर रहा है पक्की बात है बेईमान वही है, पैसे उसी के, और जो ईमानदार है वो तो समर्थन करेगा इसका। तो संसद में या तो बेईमान लोग ज्यादा होंगे तो हमारा प्रस्ताव फेल होगा, या ईमानदार सांसद ज्यादा हुए तो प्रस्ताव पास होगा। प्रस्ताव पास हो गया तो पैसे आ जाएंगे, तो कुछ करना नहीं अपने को। और नहीं हुआ प्रस्ताव पास, इसका माने बेईमान लोग ज्यादा हैं संसद में, तब हम 2014 में एक संकल्प लेकर काम करने वाले हैं। 2014 में चुनाव आएगा संसद का, सारे देश में से हम 400 सांसदों को जिताकर लाएंगे संसद में, जो ईमानदार हैं, देशभक्त हैं, और उनकी मदद से ये प्रस्ताव फिर पास कराएंगे 328 लाख करोड़ रुपए को वापस लाने का। आप पूछोगे क्या 400 सांसद आना आसान है? हाँ, क्योंकि वो 400 सांसदों को संसद में जिताकर लाने के लिए परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी खुद एक एक चुनाव क्षेत्र में जाएंगे, और उनके साथ भारत के बड़े बड़े 70 से ज्यादा संत भी जाने को तैयार है, इसलिए ये आसान है। फिर बहुत बड़े संत में जाने को स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी वो तैयार है, स्वामी गोविंद देव गिरी जी वो तैयार है, स्वामी अवधेशानंद गिरी जी वो तैयार है, परम पूजनीय मुरारी बापू, परम पूजनीय सुधांशु जी महाराज, ये सब तैयार है। ऐसे 70 संतों ने संकल्प लिया अभी हरिद्वार में जब कुंभ हुआ था कि हम सब मिलकर ये काम करेंगे। तो अगर 70 संत सारे देश में घूमेंगे और उनके करोड़ों भगत हैं पूरे देश में, तो 400 सांसद क्या 500 भी जीत के आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। और ये सांसद जीत के आएंगे तो कानून बनवा देंगे, कानून बनेगा तो पैसे आ जाएंगे, पैसे आए तो उसको बैंक में फिक्स डिपॉजिट में रखेंगे। 328 लाख करोड़ है ये पैसे, अगर बैंक में रख दें तो साल का ब्याज आएगा 33 लाख करोड़। अभी हमारा एक साल का कुल बजट है 11 लाख करोड़, फिर हमें मिलेगा हर साल 33 लाख करोड़, माने 3 गुने बजट से तो हम देश को आराम से बना लेंगे, गरीबी बेकारी भुखमरी सब दूर होगी।
हमने हिसाब निकाला कि 1.5 साल का अगर पैसा इकट्ठा करें 50 लाख करोड़ होता है, इतने में भारत के सभी गांवों को चमन कर सकते हैं। एक एक गांव की सड़क बनेगी, एक एक गांव में स्कूल होगा, एक एक गांव में हॉस्पिटल होगा, एक एक गांव में 100-100 उद्योग होंगे, एक एक गांव में किसानों के खेत को पानी मिलेगा, पीने का पानी मिलेगा, हर व्यक्ति को अपने घर में संडास घर बनाने का, बाथरूम बनाने का, सब सब पूरे देश के हर गांव में ये कर देंगे। 50 लाख करोड़ बहुत बड़ी रकम है। सारे गांव हमारे सुखी हो जाएंगे, स्वावलंबी। 24 घंटे बिजली एक गांव में नहीं जाएगी, ऐसे गांव बन जाएंगे। और 100 लाख करोड़ मिले तो भारत के सारे शहर भी वैसे ही हो जाएंगे। 50 लाख करोड़ गांव को, 100 लाख करोड़ शहर को, 150 लाख करोड़ चाहिए। और हर साल अपने को मिलेगा 33 लाख करोड़, तो 5 साल की आमदनी में देश खड़ा हो जाए। और हुआ तो अपने कुछ पड़ोसी देशों का विकास करेंगे, श्रीलंका है, नेपाल है, बर्मा है, भूटान है, मालदीव है, इंडोनेशिया है, ऐसे भारत के पड़ोस में 70 गरीब देश है, उनका विकास करेंगे। 2 देशों को छोड़कर, एक पाकिस्तान और एक चीन। वैसे तो पाकिस्तान भी गरीब देश है, इसको कुछ नहीं देने वाले, और इससे तो लेना, और चीन की भी मदद नहीं करो, ये दोनों दुश्मन है हमारे, और ये कभी भी दोस्त नहीं हो सकते। चाहे हम 100 साल कोशिश करते रहें, कभी भी ये दोस्त नहीं होने वाले। हमारे कितने प्रधानमंत्रियों ने पाकिस्तान से दोस्ती की कोशिश की, आप देखो क्या नतीजा निकला। ये पाकिस्तान कुत्ते की टेढ़ी पूंछ के जैसा है, पत्थर के नीचे 20 साल भी दबा के रखोगे तो टेढ़ी ही निकलेगी, सीधी नहीं होती। तो पाकिस्तान और चीन की तो मदद नहीं करनी, बाकी सबकी करनी है। परिणाम क्या होगा कि बाकी सब देश हमारे दोस्त हो जाएंगे, 70 देश, और ये 70 देश जब अपने दोस्त हो जाएंगे तो इनकी मदद से संयुक्त राष्ट्र में हम भारत के समर्थन में 4-5 प्रस्ताव कराना चाहते हैं। एक प्रस्ताव ये कराना है संयुक्त राष्ट्र में कि जो जमीन भारत से चीन ने 1962 में छीनी थी और जो जमीन भारत की पाकिस्तान के कब्जे में है, ये दोनों जमीनें वापस चाहिए। चीन के कब्जे में हमारी 72,000 वर्ग मील जमीन है और पाकिस्तान के कब्जे में 18,000 वर्ग मील है, दोनों मिलाकर हमें वापस लेनी है। 90,000 वर्ग मील जमीन है हमारी करीब, ये वापस लेनी। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र में 70 वोटों से एक प्रस्ताव पास करवाना है और वो 70 वोट इन्हीं देशों की मदद से जुटाने हैं जिनकी हम मदद करेंगे। और ये प्रस्ताव पास हुआ तो जमीन वापस आएगी, और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर अगर वापस आता है हमारे पास, तब जम्मू कश्मीर की समस्या हमेशा के लिए खत्म होगी। यही तो नहीं होने वाली। जिस दिन पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हम ले लेंगे वापस, उसी दिन समस्या समाप्त हो जाएगी। और एक दूसरा प्रस्ताव कराना है, अपना ये जो कैलाश मानसरोवर है वापस लेना है चीन से, ये तो हमारा तीर्थ स्थान है। और इसके लिए क्या करेंगे, चीन की सबसे कमजोर नस दबाएंगे। ये जो 70 देश है ना, इनकी मदद से संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव करवाएंगे, तिब्बत को आजाद करो। और जैसे ही तिब्बत की आजादी का सवाल आप उठाओगे, चीन आपके सामने तुरंत सरेंडर करेगा, क्योंकि चीन के लिए सबसे कमजोर है तिब्बत। 70 देश अगर मान जाए तो तिब्बत तो आजाद हो गई, फिर चीन कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि फिर संयुक्त राष्ट्र की सेना जाएगी तिब्बत को आजाद करने। और तिब्बत आजाद हो जाए तो भारत हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगा, क्योंकि फिर चीन और भारत के बीच में तिब्बत आ जाएगा। तो देश की सुरक्षा हमारे लिए बहुत जरूरी है, उसके लिए तिब्बत को आजाद होना बहुत जरूरी है। और 70 देश तैयार हैं, बस हमें उनको इकट्ठा करना है। तो पहले हम उनकी मदद करेंगे, फिर वो हमारे साथ आ जाएं। फिर एक प्रस्ताव और कराना है, अंग्रेजों ने भारत में 250 साल बहुत सारा धन लूटा, वो सब वापस लाना।
अंग्रेजों ने हमारा कोहिनूर हीरा लूटा, अंग्रेजों ने महाराजा रंजीत सिंह के सोने का सिंहासन लूटा, रॉबर्ट क्लाइव नाम के अंग्रेज ने पानी के 900 जहाज भर के सोने के सिक्के लूटे भारत से, वॉरेन हेस्टिंग्स ने, डलहौजी ने, लॉरेंस ने, लिल्लिथगो ने, ऐसे 84 अंग्रेज अधिकारियों ने लाखों करोड़ों की संपत्ति लूटी और उस पूरी संपत्ति का हमने हिसाब जोड़ा वो 450 लाख करोड़ की संपत्ति, ये पूरा वापस लाना, इसके लिए संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव कराना और एक अंतरराष्ट्रीय अदालत में मुकदमा लड़ना है अंग्रेजों के खिलाफ। उस मुकदमे में गवाही के लिए ये 70 देश चाहिए हम, क्योंकि अंग्रेजों ने इनको भी लूटा, ये सब देश हमारे साथ खड़े होंगे और वो मुकदमा जीतेंगे हम तो 450 लाख करोड़ की संपत्ति फिर आएगी भारत, और वो संपत्ति सोने के रूप में लाएंगे हम, और 450 लाख करोड़ का सोना लाकर अगर भारत में जमा कर दिया जाए तो भारत के रुपए की ताकत डॉलर की तुलना में 50 गुनी बढ़ जाएगी। अभी $1 में 44 रुपए है, फिर ₹1 में $7 हो जाएंगे। जब रुपए की ताकत बढ़ेगी तो जो निर्यात हम करते हैं दुनिया के देशों में इसकी आमदनी हमारी 50 गुनी बढ़ जाएगी। इस समय हमारा निर्यात 8 लाख करोड़ का है, फिर वो 400 लाख करोड़ का हो जाएगा, और निर्यात से 400 लाख करोड़ आए और हर साल ब्याज से 33 लाख करोड़ आए तो 433 लाख करोड़ देश की आमदनी हो गई। इस समय देश की आमदनी 11 लाख करोड़ से भी कम है, और फिर 433 लाख करोड़ हो जाए तो देश को तो सोने की चिड़िया नहीं सोने का शेर बना ले। अब की बार सोने की चिड़िया नहीं बनाएंगे भारत को, क्योंकि सोने की चिड़िया था तो लूट लिया सब विदेशियों ने, चिड़िया कमजोर होती है शेर मजबूत होता है, सोने का शेर बनाए, अब कोई ना लूटे इस देश को। और एक बड़ा काम होने वाला है कि अगर रुपया मजबूत हो गया डॉलर कमजोर तो जो भारतवासी अमेरिका में रह रहे हैं ये सब वापस आ जाएंगे, 2.5 करोड़ भारतवासी आएंगे वापस, तो इनका जो ब्रेन है इनका जो गरीबी दूर होगी, भुखमरी दूर होगी, बेकारी दूर होगी और महंगाई दूर करेंगे हम कैसे, जब आमदनी 433 लाख करोड़ की देश को हो जाए तो टैक्स लेने की जरूरत नहीं, सारे टैक्स माफ कर दो, क्योंकि टैक्स की आमदनी तो 7-8 लाख करोड़ की है, कोई बड़ी बात नहीं, वो हम माफ कर सकते, टैक्स माफ कर दिए तो सारी महंगाई खत्म। मैंने अभी हिसाब जोड़ा सारे टैक्स माफ करें तो पेट्रोल मिलेगा ₹16 लीटर, डीजल मिलेगा ₹7.80 लीटर, रसोई गैस का सिलेंडर मिलेगा ₹45, नमक मिलेगा ₹50 किलो, आप बस का टिकट खरीदो ₹100 का, टैक्स खत्म होने के बाद वो टिकट मिलेगा ₹27, रेल का टिकट ₹100 का, टैक्स खत्म होने के बाद वो मिलेगा ₹22 का, सारे टैक्स खत्म होंगे, सब महंगाई खत्म, पढ़ाई बहुत सस्ती हो जाएगी, अभी इंजीनियरिंग की पढ़ाई में 5 साल में 5 लाख खर्च होता है, फिर 50,000 में हो जाएगी वो पढ़ाई, मेडिकल की पढ़ाई में 7-8 साल में 40 लाख खर्च होता है, फिर 4 लाख में हो जाएगी, शिक्षा सस्ती, घर खर्च चलाना सस्ता, पढ़ाई सस्ती, चिकित्सा सस्ती, हर चीज सस्ती, तो गरीब आदमी भी जिंदा रहेगा और हर आदमी की आमदनी बढ़ेगी, तो महंगाई खत्म, बेकारी खत्म, गरीबी खत्म, भुखमरी खत्म, शिक्षा सबको, पानी सबको, रोजगार सबको, हर चीज हो जाएगी, और हर आदमी को योग प्राणायाम का ज्ञान दे देंगे हम तब तक तो सब सुखी स्वस्थ हो जाएंगे, तो ऐसा देश बना। आपकी इसमें मदद चाहिए, आप बोलोगे जी क्या मदद करें, आप हमारे इस अभियान के साथ जुड़ जाओ, मेंबर बन जाओ तो हमारा ये काम जल्दी होगा। ये अभियान पूरा करने के लिए हमें 5 करोड़ मेंबर चाहिए सारे देश में, तब हमारे 400 सांसद चुनकर आएंगे संसद में, जब 5 करोड़ मेंबर हों। अभी हमारे अभियान में 50 लाख मेंबर हैं, अभी 4.5 करोड़ बाकी हैं, हर व्यक्ति अगर 10-10 मेंबर बना दे तो हमारे 5 करोड़ मेंबर पूरे हो जाएंगे। तो मैं आपसे निवेदन करने आया कि आप हमारे अभियान में मेंबर हो जाओ, और मेंबर होने के लिए ₹11 का आपसे दान चाहिए। हमारे अभियान में कोई भी व्यक्ति जो मेंबर बनता है उसकी दान राशि ₹11 रखी है हमने गांव के व्यक्तियों के लिए, तो आप मेंबर बनेंगे ₹11 दान कर सकते हैं, रसीद आपको हम दे देंगे,
और वो जो आप 11 रुपए हमें देंगे, यही पैसे से हम ये लड़ाई लड़ने वाले हैं। सारी दुनिया के स्तर पर ये काम हमें करना है, इसमें हमारा 250 करोड़ खर्च होने वाला है। तो ये पैसा हम चाहते हैं कि भारत के ईमानदार लोगों से, मेहनती लोगों से 11-11 रुपए के रूप में इकट्ठा किया जाए। वैसे तो करोड़पति लोग तैयार हैं हमको पैसा देने के लिए, हमने लेना बंद कर दिया उनसे, नहीं लेते अब किसी से, क्योंकि कौन करोड़पति कहाँ बेईमानी का कौन सा पैसा हमको दे दे, हमें तो पता ही। और बेईमानी का पैसा बेईमान बनाता है आदमी, ईमानदारी का पैसा ईमानदारी लाता है। तो हम चाहते हैं गाँव के मेहनत करने वाले मजदूर हैं, जमींदार हैं, किसान हैं, अध्यापक हैं, विद्यार्थी हैं, ऐसे साधारण लोगों से 11-11 रुपए लेकर अपना फंड पूरा कर लें। और हमें 5 करोड़ अभियान जब सफल होगा तो आपको बड़ा गर्व होगा कि आपने एक ऐसे अभियान के साथ अपने को जोड़ा। और ये अभियान सफल होने ही वाला है क्योंकि एक सन्यासी ने शुरू किया है ये, और सन्यासी जब भी कोई काम भारत में करते हैं भगवान भी वो काम पूरे करा देते हैं। हमारे देश में एक सन्यासी थे, 1857 में उनका नाम था परम पूजनीय स्वामी दयानंद सरस्वती। उन्होंने एक अभियान शुरू किया था भारत की आजादी का, क्योंकि अंग्रेज उस समय राज करते थे देश में। तो उनके अभियान में भगवान ने 7,32,780 क्रांतिकारियों को भेज दिया। नाना साहब पेशवा, तांतिया टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना फडणवीस, वासुदेव बलवंत फड़के, शहीद आजम भगत सिंह, उधम सिंह, चंद्रशेखर, ऐसे 7,32,780 क्रांतिकारी किसी सन्यासी के अभियान में आ गए। वो सन्यासी तो चला गया 1894, लेकिन अभियान में जो जुड़े क्रांतिकारी इन्होंने तो देश को आजाद करा दिया 1947। तो सन्यासी जब कोई काम करता है तो ऐसे सफल होता है। फिर एक सन्यासी हैं परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी, उन्होंने ये अभियान शुरू किया और देश को समृद्धशाली बनाना है, वैभवशाली बनाना है, गरीबी भुखमरी बेकारी से मुक्त करना है, बीमारी बुराइयों से मुक्त करना। तो फिर सारा देश इकट्ठा हो रहा, फिर लाखों लाखों क्रांतिकारी आएंगे, फिर लड़ाई होगी। पहले गोरे अंग्रेजों से हुई थी, अब काले अंग्रेजों से होगी लड़ाई, तो फिर होने वाली। अब आप सब इस अभियान में जुड़ जाएंगे तो ये लड़ाई हम जल्दी जीतेंगे, यही मेरा आपसे निवेदन है। और आप जुड़ेंगे, दूसरों को भी जोड़ेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है, क्योंकि हम सब ईश्वर की प्रेरणा से इकट्ठे हुए हैं। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि हम पुराने बिछड़े हुए ही क्रांतिकारी हैं जो अब फिर इकट्ठे हो रहे हैं। 1857 में परम पूजनीय दयानंद सरस्वती ने इकट्ठा किया, अब 2010 में परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी इकट्ठा कर रहे हैं। दोनों एक ही परंपरा के सन्यासी, जिस परंपरा के स्वामी दयानंद जी थे उसी परंपरा के स्वामी रामदेव जी। तो मुझे तो लग रहा है ये ईश्वर की कोई लीला चल रही है, ईश्वर की कोई प्रेरणा से ये काम हो रहा है, और हम सब भी ईश्वर की प्रेरणा से इस काम में जुड़ रहे हैं। मैं आया, आप आए, ऐसे 50 लाख लोग आ गए, 4.5 करोड़ और आएंगे तो काम तो होने वाला है। तो आप सब इस अभियान में जुड़े और अपनी अपनी आहुति इस अभियान के लिए दें। 11 रुपए का जो दान है वो आपकी आहुति है एक तरह से, और आपकी जो मेंबरशिप है वो हमारी ताकत बनने वाली है। 5 करोड़ लोगों की ताकत इस देश में 400 सांसदों को संसद में पहुंचा देगी। तो ये दोनों तरह से हमें अभियान सफल करना है, यही निवेदन करके मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा, धन्यवाद दूंगा। आप सब इतनी देर यहाँ बैठे रहे, मेरी बातों को शांति से सुनते रहे, मेरा निवेदन है कि ये बातें आप दूसरों को भी सुनाएं। जितने ज्यादा लोगों तक ये बात आप पहुंचाएंगे उतना जल्दी ये काम पूरा हो जाएगा। मैं आपसे कहूंगा भारत माता की, हम सब बोलेंगे जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। धन्यवाद। जिन्होंने इतनी बहुमूल्य बातें हमें बताई, अब हमारा ये धर्म बनता है, हमारा फर्ज बनता है, हम इस एक एक बात को अपने पूरे गांव में, अपने पड़ोसियों के पास, अपने संबंधियों के पास, हर जगह भेजें। तो अभी मैं सतपाल जी और
ओम प्रकाश जी, उनसे निवेदन करता हूं कि वो शाल ओढ़कर भाई राजीव जी का आभार प्रकट करें। बीएमओ साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं वो साथ आए। बीएमओ साहब राज्य प्रभारी महात्मा राम बिच्छू जी, प्रधान शर्मा जी, देवर जोरा जी जो मंडल प्रभारी हैं, हमारे मंडल प्रभारी अपने नहीं दिखा दे रहे वो कहाँ है, सह राज्य प्रभारी और योगराज जी मंडल प्रभारी उधमपुर रियासी, राजीव जी सामने जो दूसरा शिक्षा लेकर भी आभार प्रकट करें। इसके बाद मक्खनलाल जी और हिमराज जी भी, राजकुमार जी साहब देव का, राजकुमार जी हिमराज जी। अभी इसके बाद हम एक पौधारोपण जहां पर करवाएंगे, डॉक्टर केसी शर्मा जी, कलर परमानंद जी, सदय जी, अभी इसी प्रांगण में एक पौधारोपण भाई राकेश जी पौधारोपण होगा और हम सब गांव वासियों का ये फर्ज बनता है कि उस पौधे को इस तरह से बढ़ाएं। अपने अपने हाथ कन्ने थोड़ी थोड़ी मिट्टी सारे करेड़ो, एक बड़ी बड़ी यादगार बनी।